इंग्लिश ना पढ़ाना, सीएम भी कमिश्नर, इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, सीएम भी कमिश्नर, इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर जीने के अरकान सिखाओ, और कोई औरत किसी औरत का जो है वो मजाक ना उड़ाए। आसा यकुन्ना खैरा मिन्हुन, पांच अदाब हो गए। छठा अदब यह कि वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। प्यारे बच्चों, किसी का नाम हम नहीं बिगाड़ेंगे, किसी को गलत नाम से हम नहीं पुकारेंगे। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी को जब पुकारते थे या बुलाते थे तो उसके जिस नाम से वो खुश होता था ना, उसी नाम से पुकारते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने साथियों का नाम नहीं बिगाड़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी को जनाब अली गिदड़ के नाम से, किसी को मेलू के नाम से, किसी को जो बिल्ली के नाम से, तो प्यारे बच्चों ये नाम हमने नहीं रखने हैं। हर वो नाम जिससे वो बंदा नाराज होता हो, ये गुनाह कबीरा है। अच्छा, ये तलबा बड़े शैतान होते हैं, ये कभी कभार ना अपने जिस उस्ताद से खफा हूं तो उसका भी कोड नाम रख लेते हैं। तो बच्चों, कोड नाम रखने से उस्ताद को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अल्लाह है ना वो तो देख रहा है ना जी। ये जो दो फरिश्ते बैठे हुए हैं ये तो लिख रहे हैं ना कि आपने कौन सी मिसकाल ली है। तो प्यारे बच्चों, किसी का गलत नाम हम नहीं रखेंगे, अच्छे नाम से याद कर। देखो ना, इसका मतलब यह है कि आप गलत नाम से पुकार रहे हैं तो आप कभी गलत नाम से पुकारा जाएगा। इसी आयत की रोशनी में मारिफुल कुरान के अंदर मुफ्ती शफी उस्मानी साहब ने पता क्या लिखा है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला जो जलीलुल कदर साहबी हैं, वो कहते हैं कि मैं कुत्ते कभी मजाक नहीं उड़ाता, इसलिए कि मुमकिन है कि वो बात उल्टी हो जाए, लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे। तो प्यारे बच्चों, जानवरों का भी मजाक नहीं उड़ाना है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो है वो कोई जन किसी को गलत लकब से नाम से न पुकारे, बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, व मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगर किसी से गलती हो गई है तो अब वो अल्लाह से की तरफ रुजू करें। या अय्युल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, कौन सा अदब है ये, छठा है, भूल गए ना? पहला वाला कौन सा था? अल्लाह उसके रसूल से आगे न बढ़े। दूसरा अदब क्या था? आवाज नीचे रखें। तीसरा अदब क्या था? कि हर सुनी सुनाई बात पे अमल न करें। चौथा ये था कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। पांचवा ये था कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। और छठा ये है कि कोई किसी का गलत नाम न रखे। अब ये सातवां है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न। अब ये याद रखना है, इस उंगली पर जो है ना वो हाथ रखना है ताकि फिर आप भूले ना। इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, ज्यादा गुमान से बचो। इज्तनिबू इज्तनाब करो, कसीरन मिनज़्ज़न बहुत ज्यादा गुमान। बच्चों, ये जो गुमान है ना, ख्याल, ये असल में शैतान की तरफ से होता है, गलत ख्याल। शैतान आके आपको कहता है जी कि फलां आदमी यूं कर रहा होगा, तो आप चल दौड़ते हैं, आप उस पर इल्जाम धरते हैं, आप उस पर आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। हमेशा हुस्न ज़न रखना चाहिए। अगर कोई बंदा आकर के आपको कहता है कि जी फला जो जेद लड़का है ना, उसने आपको गाली दी है, तो उसने जन ये है प्यारे बच्चों कि हम उस कहने वाले को कहेंगे कि नहीं, उसने मुझे दुआ दी होगी लेकिन आपने सुना ठीक नहीं है, उसने मुझे दुआ दी होगी लेकिन आपने सुना ठीक नहीं है। अक्सर गलत गुमानों की वजह से प्यारे बच्चों हमारे घरों के अंदर लड़ाई हो जाती है। पूरी लड़ाई के बाद पता चलता है कि बात तो कुछ भी नहीं थी। इन कसीरन मिनज़्ज़न, इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, इन बाज़ज़्ज़न इस्मुन, इसलिए कि बास जो गुमान है वो गुनाह है। सात हो गए। आठवा, वला तजस्सुसू, और तजस्सुस ना करो। तजस्सुस किसे कहते हैं? किसी के पीछे पड़ा रहना कि क्या खाता है आज, ये अपने घर से अपने टिफिन में क्या लेके आया है। आपके तो यही मसाइल है ना प्यारे बच्चों, ये इसके जेब में कितने पैसे हैं, 10 का नोट है या 50 का नोट है? अच्छा, ये छुट्टी के बाद जो ना ये किस रास्ते से आता जाता है? अच्छा, ये क्या सोचता है? तो प्यारे बच्चों, किसी के पीछे तजस्सुस नहीं करना चाहिए। अल्लाह पे छोड़ दे, काम कौन करता है? अल्लाह करता है ना।
तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम वला तजस्सुसु, तो तुम तजस्सुस में ना पढ़ो, और वला यग्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तो प्यारे बच्चों ये आखिरी अदाब में से है कि कोई आदमी किसी की गीबत ना करे। गीबत जानते हैं किसे कहते हैं? एक सहाबी, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि गीबत ना करें, तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर कोई बुराई किसी आदमी के अंदर मौजूद हो तो हम वो भी बयान ना करें। सवाल तो अच्छा है ना जी, जिस तरह आप सवाल करते रहते हैं। तो सहाबी ने क्या कहा कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई मौजूद है, एक आदमी है फर्ज करें उसके अंदर ये बुराई है कि वो सुस्त है, नमाज के अंदर सुस्ती करता है, अब वो यहां मौजूद नहीं है, मैं अगर कहूं कि जैद सुस्त है, वो अच्छा आदमी नहीं है, तो क्या ये भी गीबत है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यही तो गीबत है कि अगर उसके अंदर कोई बुराई मौजूद है और आप उसकी अदम मौजूदगी में बयान कर रहे हैं। अगर वो बुराई मौजूद नहीं है फिर तो ये तोहमत और इल्जाम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक तोहमत और एक इल्जाम होता है और एक गीबत है। तोहमत तो ये है कि उसके अंदर कोई बुराई मौजूद ना हो, और गीबत ये है कि उसके अंदर बुराई मौजूद हो। अच्छा फिर हम क्या करें? एक आदमी उसके अंदर बुराई मौजूद है तो हम क्या उसकी बुराई उसको याद ना दिलाएं? जरूर याद दिलाएं। मोमिन मोमिन के लिए आईना है। प्यारे बच्चों जरा इस मिसाल पे तवज्जो करें। आईना आपने देखा है ना, सुबह आते हुए सबने आईना देखा था, हाथ ऊपर कर लेंगे, मैंने तो देखा था। अच्छा जजाकल्लाह, हाथ नीचे करें। अच्छा आईना, आईने का कमाल क्या है? आईने का कमाल ये प्यारे बच्चों, आपकी बुराई आपको दिखाता है। इधर देखो प्यारे बच्चों, आईना क्या करता है? आपके चेहरे पे जितने दाग है वो आपको दिखाता है, आपके दाग मुझे नहीं दिखाता। ऐसा है? कभी आपने ऐसा देखा हो कि आपने आईना खोला हो और आईना कह रहा हो कि तुझसे पहले फना आदमी आया था उसके चेहरे पे बड़े दाग थे? कभी नहीं कहता हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन मोमिन के लिए क्या है? आईना है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको आपकी बातें करूंगा, अगर मैं कहीं और जाके बात करूंगा तो आपकी बातें नहीं करूंगा, मैं उनको उनकी बातें बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों हमने अपने साथी को बताना है, जिस तरह मोटरसाइकिल के आगे लाइट लगी हुई हो ना दिन के, तो लोग इशारा करते हैं कि जी आपके मोटरसाइकिल की लाइट ऑन है। अगर उसका जो है ना वो स्टैंड लटक रहा हो तो लोग कहते हैं ना कि इसको उसको पीछे कर दें। तो प्यारे बच्चों ये मामूली सी बातें हैं, लेकिन अगर एक आदमी झूठ बोलता हो तो हमें उसको अलग करके बोलना चाहिए कि आपके अंदर झूठी आदत है, आप झूठ बोलते हैं। एक आदमी गीबत करता हो तो हमें उसको अलग से करके बोलना चाहिए। देखो लोगों के सामने जलील नहीं करना चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं? वला यग्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई आदमी किसी की गीबत ना करे। गीबत के बजाय हम लोगों की इस्लाह करेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों अब गीबत का हल किया है, फर्ज करें आपके सामने कोई बंदा आ गया और मेरे हवाले से 10 शिकायत कर दी, अब इसका हल किया है? अब इसका हल ये है प्यारे बच्चों कि पीठ पीछे हम अपने मुसलमान भाई के दिफा करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पीठ पीछे तुम क्या करो? अपने मुसलमान भाई का दिफा करो। आपको किसी ने कहा कि यार जैद बहुत बुरा आदमी है, आप कहे यार बड़ा अच्छा आदमी है, कि वो झूठ बोलता है, आपके जी आपने देखा है उसे? ये नहीं कि अगर कोई कहे जैद बहुत बुरा आदमी है तो हम भी कहें जी बहुत बुरा आदमी है। हम पीठ पीछे अपने मुसलमान भाई का, मुसलमान बहन का, अपने तमाम तर मुसलमानों का हम दिफा करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला यग्तब बाज़ुकुम बाज़ा। अच्छा जबरदस्त मिसाल है, जरा इसको सुने फिर हम बात खत्म करते हैं, आप मेरे ख्याल में थक रहे। इधर देखें प्यारे बच्चों, इधर देखो, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैतन फकरहतुम। क्या तुम ये चाहते हो, अल्लाह आपसे पूछना चाहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई खुदा ना खासा फौत हो जाए, वो आपके सामने पड़ा हुआ हो कफन के अंदर, और आप छुरी लें और उसको काटें और खाते जाएं? आपका जमीर ये गवारा करेगा? हाँ बच्चों ये मिसाल समझ गए, अल्लाह क्या क्या पूछना चाहता है आपसे? क्या तुम चाहते हो कि खुदा ना खास्ता तुम्हारा भाई फौत हो जाए, उसकी लाश रखी हुई हो, क्या हम उसका गोश्त नोच नोच के खाएंगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे ना बच्चों। तो जिस तरह वो गोश्त खाना बुरी आदत है, इसी तरह प्यारे बच्चों किसी मुसलमान भाई की गीबत करना ऐसा ही है। तो प्यारे बच्चों मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं, आज का मौजू तो अच्छा खासा तफसीली है, इसके अंदर वालिदैन का एहतराम भी आ गया है, बड़ों का एहतराम भी आ गया है। देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि आप अपने वालिद से आगे न चलें, एक
दूसरा ये कि अपने वालिद से पहले न बैठें, दो अपने वालिद के सामने तेज आवाज में ऊंची आवाज में बात न करें, बाप के ये एहतराम है। नंबर एक क्या करें, उससे आगे नहीं चलना है, उसके पीछे चलना है। नंबर दो, जब वो बैठने लगे तो उससे पहले हमने नहीं बैठना है और उसके सामने हमने शोर नहीं करना है। और बाकी रही बात माँ की, माँ तो जन्नत है, माँ के तो पांव तले जन्नत है। और पांव तले से मुराद प्यारे बच्चों क्या है कि हमने उनकी इताअत करनी है, उसके उनके पांव के नीचे मिट्टी बन के रहना है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। मैं एक मरतबा मलेशिया गया हुआ था तो वहां एक साहब थे, एक आदमी थे, उसने मुझे कहा कि मौली साहब एक सवाल आपसे पूछना है, तो जो है ना आपकी, तो मैंने कहा जी पूछें। उसने कहा कि मैंने अपनी वालिदा को लड़ाई हुई, मैंने अपने वालिदा को मारा है, जख्मी किया है, और फिर उसके बाद फिर मैं मलेशिया आ गया हूं। अब जिस कारोबार को मैं हाथ लगाता हूं तो मैं जीरो हो जाता हूं, मैं नाकाम हो जाता हूं, फेल हो जाता हूं। मेरे ड्राइविंग पे मैंने लोगों को कहा जी मुझे रखें, तो दो तीन दिन के बाद मुझे निकाल दिया। मैं एक और कारखाने में चला गया, मैंने कहा जी मुझे रखें, दो तीन दिन के बाद बिला वजह मुझे वहां से भी निकाल दिया। मैं साथियों से कहता हूं कि मुझे अपने कमरे में रखें, तो साथी मुझे अपने कमरे में रखने को तैयार नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि अब इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने अम्मी से माफी मांग लें। तो प्यारे बच्चों, मां जो है ना, मां इस कायनात की सबसे प्यारी तरीन हस्ती है। आपने अगर जन्नत लेनी है ना, तो अपनी वालिदा मोहतरमा, अपनी वालिदा की खिदमत करके आप ले सकते हैं। और आपको पता है उवैस करनी, हम उनको रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लेकिन ये सहाबी नहीं है। उवैस एक आदमी थे, उनको पता था कि अल्लाह के रसूल आए हुए हैं दुनिया में, बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो अल्लाह के रसूल से कभी मिले नहीं हैं। और पता है आपको क्यों नहीं मिले? उनकी वालिदा, वो अपनी वालिदा की खिदमत कर रहे थे, वालिदा को छोड़ करके जा नहीं सकते थे। देखिए, एक तरफ अल्लाह के रसूल हैं और एक तरफ अम्मी हैं। अम्मी की वजह से, वालिदा की वजह से उवैस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत वो नहीं कर सके। और आपको पता है कि अल्लाह के रसूल उनके बारे में क्या कहा, और उमर रजी अल्लाह तआला से कहा कि आपके दौर के अंदर कर्ण कबीले से एक आदमी आएगा और उसका ये नाम है, जब वो आए तो आपने उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करवानी है। तो प्यारे बच्चों, पैगंबर अलैहिस्सलाम अगर किसी से ये कह रहे हैं कि फलां की दुआ करनी है, उससे दुआ लेनी है, तो उसकी वजह यह है कि उसने अपनी वालिदा का एहतराम किया है। तो प्यारे बच्चों, ये कुरान मजीद के आदाब में से हैं। इसके अलावा एक छोटा सा आदब मैं बयान करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा तवील हो गया है। वो ये होता है कि जब हम मजलिस में बैठे हुए हो ना, तो हमें दांत नहीं कुरेदने चाहिए, दांत नहीं कुरेदने चाहिए, और नाक के अंदर उंगली भी नहीं डालनी चाहिए, कान भी हमें नहीं खुजाना चाहिए, और हमें अपने जिस्म के अंदर खारिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हो तो हमें बहुत ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। ये इस्लामी आदाब में से है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इन ये जो कुछ बयान किया गया, इस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, दुआ कर लें। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही वसहाबिही अजमाईन। इलाहुल आलमीन, ये जितने तलबा इकराम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सब की कमी कोताहियों से सरफ नज़र फरमा दे। ए अल्लाह, हम कमज़ोर ज़ईफ़ नातवा हैं, अल्लाह हमें हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, शुजात नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, इन तलबा इकराम, इनका मुस्तकबिल रोशन बना दे। ए अल्लाह, तो इनका मुस्तकबिल बेहतर से बेहतरीन बना दे। ए अल्लाह, इन सब की सलाहियतों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, अपने मुल्क की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे, अपने वालिदैन की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो कुनज़ैन हैं, कमज़ोर हैं, उनके हाफ़िज़ों को कवी बना दे।
अल्लाह जिनके घरों में मसाइल हैं इलाहुल आलमीन तमाम तर मसाइल को हल फरमा दे। ये असातिज़ा इकराम इदारे की इंतज़ामिया इलाहुल आलमीन सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, इलाहुल आलमीन सबकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हासिदीन के हसद से जालिमों के जुल्म से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। इलाहुल आलमीन इलाहुल आलमीन मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहाबी अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एस भी कराओ इन्हें MBA कराओ, साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। BS भी कराओ इन्हें MBA कराओ, साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ।